हेलो एवरीवन, नवीन दिस साइड। स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से ठीक 2 साल पहले मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये सजेस्ट किया था कि भाई तू एक काम कर, व्लॉग चैनल शुरू कर दे, ठीक है। और उस वक्त मैं साइकिलिंग करता था बहुत ज़्यादा, और 2 साल सोचने के बाद में मैंने सोचा और डिसीजन लिया कि भाई अब शुरू ही कर देते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है व्लॉग वाला, एंड ये मेरा घर से शुरू होने वाला है। ओके, और गाड़ी मैंने पैडॉक स्टैंड पर डाल रखा है, और अभी हम लोग, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो चेन है ये बहुत गंदा हो रखा है, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगा, उसके बाद में ल्यूब करूँगा। गाड़ी मैंने अभी सामने वाले कार वॉश से धुलवा ली है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत गंदा ही है, मतलब लग रहा है क्योंकि चलाया था ना थोड़ा बहुत। क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करूँ WD-40, और ल्यूब मैं करूँगा मोटूल का C2 चेन ल्यूब रोड से, ठीक है। तो क्लीनिंग करने के लिए मैंने मोटूल का C1 भी यूज़ करा हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा ही है। और सच बताऊँ तो यार WD-40 थोड़ा सा सस्ते में आता है, ठीक है, साफ उतना ही करता है। तो अभी हम लोग इसको क्लीन करते हैं, ठीक। और ये जो मेरा चेन स्प्रॉकेट है ये रोल ऑन का है, ठीक। और अभी ये बहुत गंदा नज़र आ रहा है आफ्टर राइडिंग इट फॉर अराउंड, ये बाद में आपको बताता हूँ। ओके, सो दिस इज द चेन स्प्रॉकेट, देख रहे हो कितना गंदा नज़र आ रहा है, ठीक है। चलो भाई अपनी हाथी की चेन की सफाई करते हैं शुरू, ठीक है। तो इंजन अभी ऑफ है, और वैसे पहले बात ये मैं बता दूं कि मैं कोई प्रो राइडर नहीं हूँ भाई, बिगिनर हूँ। ओके, और हमारे भैया जी ने कहा है कि प्रो राइडर बनने के लिए आपको कम से कम 1 लाख किलोमीटर बाइक तो दौड़ाना पड़ेगा, इतना मैं अभी तक दौड़ाया भी नहीं, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे से सीखेंगे, और चलो काम पे लगते हैं। तो रोल ऑन की चेन स्प्रॉकेट मैंने चेंज करी हुई थी 12,000 किलोमीटर पे, और अभी डिस्टेंस आप देख लो 29,020 किलोमीटर हो रखी है। टोटल डिस्टेंस जो है वो हो रहा है आप 17,000 किलोमीटर, ठीक है। तो यार अगर 300 या 400 रुपये ज़्यादा दे के अगर कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर्स मिल जाते हैं तो इट्स अ वर्थ इट। ओके, क्लीनिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है, अब क्लीनिंग के बाद में आप देख लो ये कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फेड हो गया है, ये पहले एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह नज़र आता था, अभी ये सिटी गोल्ड की तरह नज़र आ रहा है। तो यार इसकी शाइन अभी भी उतनी ज़्यादा भी गई भी नहीं है, ठीक है, तो एकदम पैसा वसूल डील है। क्लीनिंग का काम हो चुका है ख़त्म, तो इसको भी हम रख देते हैं। अब करेंगे ल्यूब, तो अभी हम यूज़ करेंगे C2। ओके, तो ये जितना भी स्प्रे वाला चीज़ है इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्प्रे मारने वाला हूँ इंजन ऑन करके, ठीक है, क्योंकि मैंने पैडॉक स्टैंड डाल रखा है, और अगर आपके पास पैडॉक स्टैंड नहीं है तो ये गलती कभी मत करना क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, ठीक है। गाड़ी हम लोग डालेंगे अभी फर्स्ट गियर में, और फिर इसको हम लोग ल्यूब करते हैं। ओके, ल्यूबिंग हो गया ख़त्म। ओके, तो सामने से दिखा रहा हूँ ये रहा चेन, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो सिर्फ बीच में ल्यूब करते हैं, ठीक है, साइड साइड में भी करना होता है। तो ये देख रहे हो आप लोग, तो ये रही कंप्लीट लुक, ठीक है, वेट उतना ज़्यादा भी नज़र नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ इट। ओके, तो आज का वीडियो बस इतना तक ही था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और पसंद नहीं आया तो यार डिसलाइक का भी बड़ा सा घंटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ज़रूर ठोक देना। और हाँ, अभी मैं नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे एक मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैमरे की ज़रूरत है, तो कम से कम में एकदम अच्छा वाला कोई कैमरा अगर आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना, ठीक है। मैं बजट अभी अपना बहुत लो रखा हूँ कैमरा के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं रखा हूँ। ओके, आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए, और इसके बाद मैं धीरे धीरे से अपने वीडियोज़ के ऊपर में, कॉन्टेंट के ऊपर में काम डेफिनेटली करूँगा, और आपके लिए बेहतर बेहतर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं लेकर के आऊँगा, ठीक है, ये कमिटमेंट है। ओके, तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड तक बने रहने के लिए।